हाय फ्रेंड्स, सुधीर यार। तो यार, आज मेरे पास एक दोस्त का एक लैपटॉप आया है और बेसिकली उसमें इशू क्या है कि ये ऑलमोस्ट 8 साल पुराना लैपटॉप है। i3 सेकेंड जनरेशन है, 2 GB रैम है, विंडोज़ 7 है इसके अंदर एंड हार्ड डिस्क इसकी 320 GB है। एंड यार, पर्पज़ सिंपल है। बेसिकली बच्चों को ना ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो टीम्स हो गया, जूम हो गया, उस पर देखनी है, और बच्चे यूट्यूब पर वीडियो शीडियो देख लें, नॉर्मल ब्राउजिंग कर लें, ये पर्पज़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर एक SSD इससे अपग्रेड कर दूँ, इसका इसकी रैम बढ़ा दूँ और इसमें विंडोज़ 10 डाल दूँ। तो दैट्स द वीडियो ऑल अबाउट। तो यार, एक तो ये रैम है क्रूशल की BX500, आई मीन वेरी मच रिकमेंडेड। तो ये 240 GB हार्ड डिस्क इज इनफ। एंड यार, ये 4 GB रैम है, 2 GB लगी हुई है, 2 स्लॉट होते ही हैं, तो मैं 4 GB ऐड कर दूंगा तो 6 GB इसकी रैम हो जाएगी। एंड यार, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आजकल अगर आप PC में विंडोज 10 डाला हुआ है आपने और आप अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हो, तो यार 8 GB इज़ रिकमेंडेड रैम। 4 GB रैम तो विंडोज 10 ही ले लेता है ना। तो 6 GB मैं सिर्फ मेकशिफ्ट वाला काम कर रहा हूँ सो दैट हमारी को 2 GB रैम यूज़ हो जाए। बट अगर आप, हाँ, किसी के में 4 GB है, तो आप नेक्स्ट स्लॉट में 4 GB रैम डाल के 8 GB कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। तो गाइस, ये 4 GB की रैम ये हम डाल देते हैं, कुछ नहीं करना, 30 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करना है एंड लॉक। दिस इज डन, डन 4 GB, दैट्स इट, डन गाइस, आई थिंक वी आर डन। इसमें मैंने ये विंडोज़ 10 का सिस्टम डाल दिया है और इसको बूट करते हैं। सो गाइस, अब इसको हमने बूट कर लिया है और बायोस में आ गए हैं और बूट प्रायोरिटी ये आ रही है इसकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। इसको हमने ऊपर करना है, तो चेंज वैल्यूज़ F5, F6, डन, ओके। एक्सटर्नल डिवाइस बूट, इसको अनेबल करना पड़ेगा अपने को। सेव चेंजेस, सेव कॉन्फ़िगरेशन, यस नाउ, यस। सो गाइस, हमने बूट मेनू में जाके चेंज कर दिया कि ये एक्सटर्नल डिवाइस से बूट हो, और एक्सटर्नल डिवाइस हमने इसमें विंडोज़ 10 की मीडिया क्रिएशन टूल से इसका विंडोज़ 10 की बूट फाइल बना रखी है। अब हम इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर देंगे एंड देन वी आर गुड टू गो।